नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मेरे न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो का टॉपिक है दोस्तों फोम मार्शल का स्मार्ट पोजिशनर, जिसका मॉडल है FMPOZ8400S। इस पोजिशनर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उसको चेक करना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस पोजिशनर में प्रॉब्लम हो रही थी कि कैलिब्रेशन जब मैं कर रहा था ऑटो टू पॉइंट कैलिब्रेशन, तो एक से डेढ़ घंटे का समय ले रहा था। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा था। कोई भी कमांड देने के बाद कम से कम 5 से 7 सेकंड के बाद ये रिस्पॉन्स कर रहा था। जैसे मान लीजिए हमने 25% का कमांड दिया, तो 25% मतलब 4 से 5 सेकंड बाद ये स्टार्ट होता था, मतलब कमांड लेता था। तो बहुत ही ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा था। तो मैंने उसको ठीक किया, कैसे ठीक किया वो मैं आज बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये जो पीजो लगा होता है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पीजो, ये पीजो पे कितना वोल्टेज जाता है, क्या सिग्नल जाता है, कैसे चेक करते हैं, वो भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग को चेक करना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कनेक्शन कर दिए हैं इसमें 24 वोल्ट DC सप्लाई का, प्लस और माइनस यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने कार्ड का जो सप्लाई है, यहाँ पे जो कार्ड में जाता है 24 वोल्ट, इस कनेक्टर के थ्रू वो भी मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने पीजो का, जो हमारा पीजो है जो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है हमारा पीजो, उसको मैंने बाहर निकाल के और यहाँ पे मैंने इसका कनेक्टर लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये पीजो वाला कनेक्टर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है पीजो। तो दोस्तों, इस पीजो पे जो कनेक्शन गए हैं, एक रेड एक ब्लैक जो आपको दिख रहा है, इस रेड ब्लैक के पैरेलल में ही मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया, और इस मल्टीमीटर को मैंने वोल्टेज पे सेट कर दिया है, DC वोल्टेज पे, ठीक है। तो इस पे कितना वोल्टेज जाएगा, कितने कमांड पे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसका सप्लाई फटाफट से स्टार्ट कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, फिर मैं उसके बाद दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मैंने इसकी सप्लाई ऑन कर दी है और हमारा अभी पोजिशनर स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और मल्टीमीटर में कुछ वोल्टेज शो हो रहा है, तो अभी आप देख सकते हैं इसमें 24 वोल्ट DC शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये वैरी भी कर रहा है थोड़ा सा, देखते हैं एक बार स्टार्ट हो जाने देते हैं और स्टेबल होने के बाद कितना वोल्टेज आता है। तो ये आप देख सकते हैं 20 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ठीक है, 20 वोल्ट DC आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। और यहाँ पर हमारा जो पोजिशनर है उस पर क्या दिख रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इसमें 0% जो है यहाँ पे ट्रबल दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको मैनुअल पे मैं कमांड दूंगा मैनुअल करने के बाद, और मैनुअल में कितना वोल्टेज यहाँ पे चलता है 0 to 100 पे करने पे हमारा ट्रबल, मैं यहाँ पे मैनुअल में 0 to 100 लेके जाऊँगा। तो 0 to 100 में हमारा कितना वोल्टेज जो हमारे पीजो में जाता है वो कितना वोल्टेज जाता है, तो यहाँ पर आप मल्टीमीटर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको मैं एक बार मैनुअल मोड में कर लेता हूँ। तो ये मैनुअल मोड में आ चुका है, ठीक है। और इसको मैं स्मॉल स्टेप है इसमें, बिग स्टेप कर लेता हूँ तो जल्दी हो जाएगा, एक मिनट दीजिए मुझे। तो मैं इसको यहाँ से बिग स्टेप कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और अभी इसको मैनुअल मोड में लेता हूँ मैं, और इसको अभी 99 दिख रहा है, इसको मैं 75 करता हूँ। तो अभी वोल्टेज आप देख सकते हैं जो हमारे पीजो में जो वोल्टेज जाता है वो 15-14 हो गया है, और मैं इसको अभी 50 कर दिया हूँ, 50 कर दिया मैंने, और अभी 25 कर दिया तब भी वोल्टेज सेम ही है, और मैंने 0 कर दिया तो 0 पे थोड़ा कम हुआ है, 15 हुआ है। वापस मैं इसको करता हूँ 25, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये 25 किया मैंने, 25 पे कितना हो रहा है 15.99 मतलब 16, एक बार 0 करके दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने 0 कर दिया, ठीक है, 0 पे आ रहा है हमारा 15.10, ठीक है। 25 किया मैंने, 25 पे मतलब 16 वोल्ट हो गया, 0.9 वोल्ट बढ़ा है यहाँ पे, और अभी मैंने 50 कर दिया तो फिर से 0.9 के आसपास देख सकते हैं आप, 16 से 16.8 के आसपास हो गया है। और उसके बाद मैंने 75 किया तो 17.
17 के आसपास चल रहा है और मैंने अभी इसको 99 किया, मतलब 20 किया, तो 20 पे आप देख सकते हैं 20.83 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे 99 कर दिया है। तो ये हमारे पीजो पे इस तरीके से वोल्टेज हमारा यहाँ पे मतलब जाता है जितना भी कमांड देने पे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है यहाँ पे, जो हमारा ये पीजो है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है और इसमें एयर जाता है। यहाँ पे आप पोर्ट देख सकते हैं, इसमें एयर जाता है और दूसरी साइड से जितना भी वोल्टेज जाएगा कमांड के अकॉर्डिंग, तो दूसरी साइड से यहाँ पे क्या होता है कि पोर्ट बने हुए हैं यहाँ पे बैक साइड में, आप देखेंगे छोटे छोटे होल दिख रहे हैं आपको, तो इसमें से एयर पास होता है। जो I2P जो काम करता है वो सेम काम ये करता है। तो उसके बाद ये हमारा इसमें जाता है एयर और फाइनल ये क्या करता है, प्लंजर को अंदर साइड से मूव कराता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट है वो फाइनल हमारे कंट्रोल वाल्व के डायफ्राम में जाता है। तो मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है इसको कैसे सर्विस करते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो आज की इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि इस पीजो पे कितना वोल्टेज जाता है, कैसे इसको चेक करते हैं। तो इस पीजो के कारण ही, इस पीजो में प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो मेरा कंट्रोल वाल्व जो है बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रहा था। तो मैंने पीजो पीजो सिर्फ उसका चेंज किया तो हमारा कंट्रोल वाल्व सही कैलिब्रेशन और सही रिस्पॉन्स करने लगा, मतलब सही हो गया कुल मिला के। तो इस तरीके से मतलब मुझे डाउट हुआ था कि हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे पीजो में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसको मैंने चेक कर लिया था, अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो मेरे को उसी में डाउट लग रहा था और वोल्टेज भी एकदम सही एक्यूरेट निकाल रहा था, हमारा कार्ड जो है प्रॉपर निकाल रहा था, तो मुझे कार्ड में भी इशू नहीं लग रहा था। तो प्रॉब्लम मेरा पीजो में ही लग रहा था, तो पीजो मैंने चेंज किया और मेरा कंट्रोल वॉल एकदम सही ऑपरेट होने लगा, मतलब करेक्ट ऑपरेट होने लगा, तुरंत फास्ट रिस्पॉन्स करने लगा, सब कुछ ओके हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग कंट्रोल वॉल का ट्रबल शूट करते हैं, चेक करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कंट्रोल वॉल में, ठीक है, इस पोजिशनर में, जो एक एक करके जैसे जैसे प्रॉब्लम आती रहेंगी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूँगा। दोस्तों इसी तरीके से आप लोग मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए दोस्तों, और सपोर्ट करते रहिए मेरे वीडियोज़ को और मेरे चैनल को। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।